अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ मैं बना रही हूँ जी बच्चों के लिए नाश्ता। और ये जी सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं बच्चों को नाश्ता बना के दे रही हूँ। आज बच्चे घर में हैं तो बस जी यहाँ पे मेरा नाश्ता होगा, उसके बाद आपके साथ थोड़े से क्लिप शेयर करूँगी, यानी दिन भर जो होता है वापस शेयर करूँगी। तो साथ ही जुड़े रहिएगा। बच्चों को देते हैं, चलो भैया को भी बुलाओ अंदर से। कहाँ हो आप? रानी देना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक है। सुबह मैंने ना काम कर लिया था, उसके बाद मैंने ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे और ना हमारी काफ़ी दिनों से मशीन भी ख़राब हो रही है, मशीन कपड़े धोने वाली ख़राब हो रही थी। तो अभी मैंने बैठ के सारे कपड़े धोए हैं, और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ बच्चों के कपड़े थे। यूनिफॉर्म इनका गंदा था क्योंकि आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए। उसके अलावा घर के इनकी पेंटें कुछ गंदी थी, वो धोई। और बस हाथ से धोए थे क्योंकि काफ़ी 10-15 दिन हो गए हाथ ही धुल रहे हैं कपड़े। बाकी अभी तो होकर फारग हुई हूँ और सहन में आई हूँ। आज भी तेज़ थी, कपड़े गिरी जा रहे थे। मैंने बोला चले हम अंदर चलते हैं, खाने में आज क्या बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो धुल गए, बस यूनिफॉर्म थे दो बच्चों के। बाकी इनके पहनने के लिए कुछ पेंटें थी, पेंटें नहीं थे इनके पास। लाइबा को कुछ कपड़े थे, कुछ अभी भगोए हुए हैं वो धोने हैं। तो बस जी अंदर चलते हैं। और यहाँ ना लाइबा मैडम लिख रही है अपना कुछ। आप क्या लिख रही हो? क्या लिख रही हो? चले जी यहाँ मैं आगे किचन में। तो अब मैं बनाने लगी हूँ जी मैक्रोनी, और यहाँ मैंने सामान सारा ले लिया है। और यहाँ पे पहले मैं प्याज काट रही हूँ, लहसुन अदरक मैंने ले लिया है, सारा कुछ ले लिया। अच्छा यहाँ पे मैंने ना कटर ऐसे मैंने स्टाइल से काटना स्टार्ट किया, तो मुझसे बिल्कुल नहीं कटा हुआ कटिंग हुई, मुझे लगा कि जैसे मेरे हाथ में कट लग जाएगा। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, लहसुन अदरक पीस लेना है, और मैक्रोनी बनानी है बड़ी सिंपल मसाले वाली, और बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। जो आपके बच्चों को पसंद हो ना वही बनाए। तो यहाँ पे जी अब मैं बनाऊंगी। ये हमारा काट लिए, चलते हैं अपना इसको कूट लेते हैं। तो यहाँ जी हमने सब्जी भी काट ली है थोड़ी अपनी। लाइबा आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हो इधर आकर मुझे ये बताओ। अपनी गुड़िया लेके यहाँ पे खड़ी। ये जी हम आ गए किचन में, यहाँ मेरा सामान सारा तैयार हो गया है। यहाँ सब्जी मैंने तैयार की है। क्यों उतारी आपने मुझे पहले ये बताओ, क्यों उतारी? सुबह की भैया ने भी एक दफा पानी की ये बात देखो, मम्मा को दिखा रही है अपना मूंग की। ये कौन लाया था मूंग की? भाई, भाई लाया था। अच्छा इसकी मैंने सुबह की दो दफ़ा पोनी की है, भाई ने भी किया, और सुबह जब इसका बड़ा भाई स्कूल गया तब वो उसने भी किया। और इसने ना अपने सारे बाल ना ऐसे खोल के रख लेती, इसको बहुत शौक है अपने बाल खोलने का, बहुत शौक है अपने बाल खोलने का। मम्मा मेरी पोनी बा रही है। मम्मा कैसे पोनी बाती है मुझे ये बताओ। बेटा बेटा इधर देखो, बेटे इधर देखो, बेटे इधर देखो, आप तो नज़र ही नहीं आ रही। करो अब ये तो दोनों खेलेंगे अपना आराम से बैठ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। अभी मैं आई हूँ किचन में, और आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। अच्छा मैक्रोनी मैं इसलिए बना रही हूँ, जब मैक्रोनी घर में थी और ज़्यादातर ना बच्चे शौक से खाते हैं मैक्रोनी, तो मैं क्या करती हूँ सब्ज़ी आपके पास होती है, नहीं भी होती तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो मैक्रोनी जो होता है शौक से बच्चे खा लेते हैं, और मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो बस सब्जियाँ पड़ी हुई थी, सब्जियाँ काटी हैं, अभी मैंने पूरा सामान तैयार किया है। तो बस बनाते हैं अपनी मैक्रोनी, बच्चे बड़े आराम से बैठ गए अंदर। तो अच्छी भी बनती है, मज़ेदार बनती है। थोड़ा हरी मिर्चें डलती हैं, लहसुन अदरक डलता है। तो चलो जी शुरू करते हैं, और साथ ही रहिएगा। पहले बनाते हैं अपनी मैक्रोनी। क्या हुआ आपको? तो यहाँ मैं दो किस्म की मैक्रोनी इस्तेमाल कर रही हूँ, एक छोटी गई है और ये थोड़ी सी बड़ी बनी है। दो पैकेट होंगे तो आराम से बच्चे भी खा लेंगे, और मज़ेदार बनती है। साथ सब्ज़ियाँ मेरी यहाँ पे सारी तैयार हो गई हैं। तो बस जी यहाँ नमक डाल दिया था, और मैं मैक्रोनी को पकाऊंगी। और जब तक मैक्रोनी बन रही है जी, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बड़े बहन भाई, कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो लाइक नहीं करते, लाइक करना भूल जाते हैं। और लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया करें। कुछ रेड ये लाल वाली हैं, कुछ पता नहीं चाइना गाजरे हैं, शिमला मिर्च दो निकली थी, प्याज काटा है, लहसुन अदरक काटा है, आलू काटे हैं, और ये हमारी बंद गोभी है। तो ये हमारा मैक्रोनी का सामान है। तो हम बनाते हैं अपनी मैक्रोनी, बड़ी सिंपल सी बनाएंगे। बड़ी दफ़ा शेयर किया, बस बच्चों को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो बस ये हमारी मैक्रोनी सिंपल सी बनेगी।
ड्रामे बाज बच्ची को देखे जा रहे की मम्मा को काम करने दे अकेला। ये भी थोड़ी डालेंगे, बाद में डाल, जिद लगा लेती है यहाँ पे आने की। जा रहे हैं हमारे आलू, ये आके ना दादी अम्मा बैठ गई मेरे पास। भैया इसका चला गया, भाई कहाँ चला गया, भाई ट्यूशन चला गया, और इसको पता है भाई चला गया, अब मैं आ जाऊँ मम्मा के पास। नहीं आपको मैंने टीवी लगा के दिया ना कि भाई ही चला गया ट्यूशन, और आप अंदर जाकर बैठ जाओ आराम से। बताओ मुझे नहीं की बच्ची बनी, अभी कहाँ बनी, आप पहले ऊपर बैठ जाओ दादी अम्मा। तो बच्ची के मसाले आपने अपने हिसाब से डालने हैं, कम या ज़्यादा बच्चों के हिसाब से, ताकि बच्चे जितने खाते हैं ना आप अपने हिसाब से डाल दें। तो चले जी वीडियो को जैसे मेरे को लाइक ज़रूर किया करें। यहाँ पे मैक्रोनी भी चली गई, और ये जी हमारी केचप चली गई, तो ये जी हमारा मज़ेदार हो गई मैक्रोनी तैयार। चलिए जी, जिस मेरे बहन भाई ने खानी है आ जाए, सो बिस्मिल्लाह, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मेरा बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग आने वाला है। या आपको मेरा शॉपिंग का लगेगा, या आपको मैं बाहर जाऊंगी, या मैं ग्रोसरी करने जाऊंगी, या मैं बाहर जाऊंगी, तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा देखे कौन सा आता है। तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से कर देना सब्सक्राइब। तो ये जी हमारी मज़ेदार मैक्रोनी तैयार हो गई है। यहाँ मुझसे पहले ही वाजी वाह अपने लेके आ गई है मायनीस, अपने डाल कर कह रही मम्मा आपको डाल के दे रही, और आप ज़्यादा नहीं ज़ाया करो, आप ज़्यादा डालोगे फिर मेरे ऊपर, मैं नहीं डालूँ, अपने डाली ना अपने ऊपर, मुझे दे दो। अब चुप करके गई है फ्रिज में से ना मायनीस निकाल के ले आई है ड्रामे बाज, मैं तो ऐसे खाऊँगी।